देखिए इस तरह से कर देते हैं और यहाँ लगा देते हैं हम एक डिब्बा। एक और नए ब्लॉग में तो आपको मैं यहाँ दिखाऊंगा जो हम लोग यूज करते हैं रबड़, उस रबड़ का उत्पादन कैसे होता है मैं आपको दिखाऊंगा, किस पेड़ों से होता है। उसी जंगल में हूँ जहाँ रबड़ निकाली जाती है, तो कैसे निकालते हैं हम रबड़ तो हमको दिखाते हैं। उसको ऐसा छिकला निकाल देते हैं, तो इसमें देखिए इसमें जाके रबड़ इटक्की होती रहती है, यहाँ से पेड़ से आती रहती है। कितना लंबा पेड़ है और ये सारी रबड़ है देखिए, ये सब रबड़ बनेगी, इसी से बनती है रबड़। अब ये देखिए हाथ चिपकने लगा। कितना बड़ा जंगल है, बढ़ाती है इतना, 2 से 3 फुट तक छील देते हैं पेड़ को। देखिए अब इसमें से आएगी रबड़, ये जैसे आ गई, ये देख, ये तो पानी है। खैर दूसरे पेड़ में दिखाऊंगा आपको। हाँ ये देखिए, ये इससे बनाई जाती है रबड़ जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं घर में, बोतल ये सारी इसी से बनती है। दुनिया में 6% उत्पादन रबड़ का होता है जंगलों से, और उसका पेड़ पेड़ पौधा देखिए कितना घना जंगल है, ऐसा दिखता है पूरा। आपको बताते हैं पूरी दुनिया में रबड़ का उत्पादन होता है 6%, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में 6% पेड़ पौधे हैं जिससे रबड़ हुआ रबड़ निकाली जाती है। तो रबड़ आपको दिखाई मैंने कैसे निकाली जाती है, फिर एक बार दिखाता हूँ। ये सारे रबड़ के पेड़ हैं, यहाँ सब रबड़ निकाली जाती है। ये देखिए बहुत ही घना जंगल है, आपको क्लियर दिखाते हैं रबड़ होती कैसी है। तो हमारा ब्लॉग कैसा लगा तो मैं बता दूँ, इस वक्त हूँ मैं शिमला में और ये शिमला का जंगल है, और इसी जंगल में ये रबड़ का पेड़ है यही मैंने आपको दिखाया। और ये आ गए भैया, क्या करने गए थे? रबड़ देखने। ये रबड़ देखने गए थे, ये हैं छोटे मोटे ब्लॉगर, इनका चैनल तो कोई नहीं है लेकिन अपनी मर्जी से ब्लॉगर है।